बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि राजस्थान का गणगौर महोत्सव विश्व में प्रसिद्ध माउंट आबू में 16 दिवसीय मनाया जा रहा है। गणगौर महोत्सव आज सुबह नृत्य और पूजा के साथ निकली पहली शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई नकी लेक मगरमच्छ उद्यान पहुंची। माउंट आबू 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा जाता है। वहीं पर्यटन एवं तीर्थ स्थल है जहां हर पर्व विशेष आयोजनों के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। माउंट आबू में होली के बाद से 16 दिवसीय गणगौर महोत्सव अब परवान पर है। उस उत्सव के तहत जहां मां गणगौर की पूजा अर्चना होती है, दिन भर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन भी रहते हैं। माउंट आबू में गणगौर महोत्सव के तहत पहली शोभा यात्रा निकाली गई। 24 मार्च तक यह महोत्सव जारी रहेगा। माउंट आबू के अग्रवाल पंचायत भवन में सुबह निकली यह शोभा यात्रा, महिलाओं ने पहले मां गणगौर की पूजा अर्चना की, उसके बाद देर तक नृत्य किया और फिर मुख्य बाजारों से होती हुई यह शोभा यात्रा नकी लेक के मगरमच्छ उद्यान पहुंची, जहां महिलाएं हाल ही में इस वर्ष शादी हुई सुहागनी नृत्य करती हुई दिखाई दी। महिलाओं ने नकी लेक पर पूजा अर्चना भी की। हाँ बताइए कि किस प्रकार से गणगौर की धूम पूजा करते हैं और सोलह दिन हम पूजा करते हैं और रोज एक बार की तरह एक दिन हम मनाते हैं। हाँ बताइए कि किस प्रकार से गणगौर की धूम है और गणगौर की पर्व की जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। गणगौर का ये 16 दिन का पूरी पूजा होती है जिसमें जितनी भी न्यूली मैरिड लड़कियाँ होती हैं 16 दिन तक गणगौर पूजती है और आज शीतला सप्तमी के दिन सारी ही मिलकर इसमें धूमधाम से गणगौर पूजते हैं।